ग्रेटर नोएडा में होमगार्ड ड्यूटी घोटाले से जुड़ी फाइलें जलकर खाक हो गई हैं। बताया ये जा रहा है कि घोटाले को छिपाने के लिए साजिश रची गई और ये आग लगाई गई है, जिसमें होमगार्ड की तनख्वाह और उनके मस्टर रोल संबंधित रिकॉर्ड जलकर पूरी तरह से खाक हो गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। होमगार्ड घोटाले की फाइलें जली, होमगार्ड जिला कमांडेंट दफ्तर में लगी आग, आग से होमगार्डों के मस्टर रोल वाला बक्सा ही जला। नोएडा होमगार्ड घोटाले से जुड़ी फाइलें जलकर राख। नोएडा में हुए होमगार्ड घोटाले की परत खुलती, अधिकारियों के हाथ घोटालों के आरोपियों की गर्दन तक पहुंचती, इससे पहले ही सारे सबूतों को जला डाला गया। फर्जी मस्टर रोल तैयार कर गौतम बुद्ध नगर में होमगार्डों के वेतन में हुए लाखों के घोटाले की जाँच के बीच होमगार्ड कार्यालय के एक बक्से में सोमवार रात आग लग गई। आग में उस बक्से में रखे सभी कागजात जलकर खाक हो गए। सोमवार रात लगी आग से एक बड़े बक्से के ही जलकर राख होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक इसी बक्से में 2014 से अब तक होमगार्डों की तनख्वाह और उनके मस्टर रोल संबंधी रिकॉर्ड थे। वहीं दमकल विभाग के सूत्रों के मुताबिक आग लगी तो थी सोमवार को, लेकिन इसकी जानकारी मंगलवार सुबह दी गई। हमारे लोग वहाँ पर हैं, तीन वरिष्ठ लोग वहाँ पर हैं, वो जांच कर रहे हैं, 12-12, 13-13 घंटे वहाँ बैठ रहे हैं, लेकिन जो सूचना निकल कर आएगी कार्रवाई होगी। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिर्फ एक बक्से में आग लगने और सोमवार को आग लगने के बावजूद मंगलवार सुबह दमकल को बताने से लग रहा है कि ये घोटाले के आरोपियों को बचाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन इसका पूरा खुलासा विस्तृत जांच से होगा। बता दें कि नोएडा में होमगार्डों की ड्यूटी लगाए बिना उनका मानदेय हड़पे जाने का घोटाला सामने आया था, जिसकी जांच के लिए SSP वैभव कृष्ण ने जिला स्तर पर विशेष जांच दल यानी SIT बनाई थी। ये जांच में सूचना आने दीजिएगा ना, जांच सूचना आने दीजिएगा, वो लोग सूचना देंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। लग रहा जांच प्रभावित करने के लिए इस तरीके का कुछ वहाँ पर कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। ये सरकार जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है इस सरकार में, वही लागू होगा। ग्रेटर नोएडा में होमगार्ड घोटाले को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। घोटाले की जांच के लिए शासन ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर 10 दिन में रिपोर्ट मांगी थी। DGP OP सिंह के निर्देश पर FIR के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन जांच के बीच होमगार्ड के दफ्तर में बक्से में आग लग गई। माना जा रहा है कि घोटाले से जुड़े दस्तावेज को नष्ट करने के लिए जानबूझकर आग लगाई गई। तरुण बड़ाना, ग्रेटर नोएडा, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।